नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन, आप और मैं। हाल ही में पितृश्वर हनुमान धाम की स्थापना के बाद जहां इंदौर के पितृदोष दूर होने का दावा किया जा रहा है, वहीं प्रशासन हनुमान धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में जुट गया है। इसके लिए अब यहां स्थायी और अस्थायी पट्टा धारकों को हटाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इस बीच कार्रवाई से घबराए रहवासियों ने भी दलित समाज की अगुवाई में मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इंदौर के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहे पितृश्वर धाम की वजह से स्थानीय लोगों पर मुसीबत खड़ी हुई है। प्रशासन द्वारा स्थानीय पट्टा धारकों को अपना मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस की आखिरी तारीख शुक्रवार होने से रहवासियों में चिंता के साथ आक्रोश व्याप्त हो गया है। परेशान रहवासियों ने आज अखिल भारतीय बलाई समाज की अगुवाई में मोर्चा खोलते हुए संभागायुक्त कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रशासन के नोटिस को गलत बताते हुए स्थानीय महिलाओं ने संभागायुक्त कार्यालय पर धरना भी दिया। इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई को रुकवाने की गुहार लगाते हुए पीड़ितों ने संभागायुक्त के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। गोमठगिरी के सामने पितृश्वर हनुमान मंदिर के समीप जमुड़ी अफसी के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा 2013 में यहाँ पर रहने वाले गरीब मजदूर वर्ग को पट्टे आवंटित किए गए थे निवास करने के लिए। यह वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग से आता है तथा सभी तरह प्रकार की जातियाँ यहाँ निवास करती है और इन सभी लोगों ने जो है वहाँ पर कम से कम 15 से 20 वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। आज उनको बिना किसी कारण के नोटिस दे दिया गया, उनको हटाने के लिए कहा गया कि आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, आप 13 तारीख तक अपने मकान खाली कर दें, अन्यथा शासन प्रशासन आके जबरदस्ती मतलब बलपूर्वक आपका जो है मकान तोड़ देगा, दुकान हटा देगा। इस स्थिति में आज यह परिवार जो है बेदखल होने को है। यह गरीब परिवार मजदूर वर्ग परिवार से आते हैं, 2 जून की रोटी के लिए इनको मेहनत करना पड़ती है, मजदूरी करना पड़ती है। इन लोगों ने कई बैंकों से लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है। ऐसी स्थिति में दिन जीवन भर की पूंजी जो जोड़ी है वो मकान बनाने में लगी है। एक जीवन टूट जाता है एक मकान बनाने में, और पल भर भी नहीं लगता बस्तियां उजाड़ने में। आज ऐसी गंभीर परिस्थिति आज इन गरीबियों के साथ में आ गई है, और आज ये सब अगर इस स्थिति में माननीय संभागायुक्त जी भी हमारी नहीं सुनते, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, 4 दिन पहले हमने जिलाधीश महोदय माननीय कलेक्टर इंदौर को भी ज्ञापन दिया था, किंतु वहाँ से असंतुष्ट हुए, हमें कोई जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं मिला। इसलिए आज हम माननीय संभागायुक्त इंदौर को ज्ञापन देने आए, यदि हमारे साथ फिर भी अगर हमारी मांगे स्वीकार नहीं करी गई और हमारी मांगों को दरकिनार कर दिया गया तो हम यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में चलाएंगे और सड़कों पे उतरेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, और संभव हुआ तो अंतिम में सबसे अंतिम अवसर जो यहाँ के सभी ग्रामवासियों ने कहा है कि सामूहिक रूप से आत्मदाह भी करेंगे। अभी कमिश्नर ने कोई आश्वासन दिया आपको? उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया है, उन्होंने बोला मैं समझता हूँ इस विषय को, इस मामले को समझ के मैं आपकी मदद करता हूँ, ये बात उन्होंने कही हमसे। 13 तारीख तो कल ही 13 तारीख है, और हमने यही निवेदन किया हमने माननीय कमिश्नर जी से कि कल 13 तारीख है, और कल की तारीख में उन्होंने बोला है कि हम 13 तारीख तक खाली कर दें अन्यथा मकान तोड़ दिए जाएंगे। इस हेतु आज हमारे सभी महिला पुरुष बच्चे बुढ़े सभी बुजुर्ग बार सभी यहां पर मौजूद हुए और सभी ने माननीय संभागायुक्त महोदय से अनुनय करी, निवेदन किया, और इस निवेदन का क्या असर होता है ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही बता सकता है। आपका नाम? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।